नमस्कार दोस्तों स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 19 फरवरी के करंट अफेयर्स लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वन लाइनर 18 फरवरी के करंट अफेयर को तो सबसे पहले बता दें आपको कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णतः बैन कर दिए हैं तो ये राज्य बन गया है उत्तराखंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसको आपको याद रखना है इसके बाद वह मादा हिम तंदुआ जिसने हाल ही में सात शावकों को जन्म देकर कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा दी तो ये माना दुआ थी इसका नाम क्या था इसका नाम है हिमानी ठीक है इसको आपको याद रखना है हिमानी और ये जो घटना है ये न्यू जर्सी की है ऑल राइट हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है सही जवाब का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और पुडुचेरी नामक राज्य की अब तक जो एल जी थी उपराज्यपाल किरण बेदी तो अब उनकी जगह पर राज्यपाल बन गई हैं तमिली साई सौंदर एक्चुअली में तेलंगाना की राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाने का जो अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया है गरीबों को पाँच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली माँ योजना इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल में और हाल ही में किस राज्य ने बीस लाख परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क इसको जो है के फोन नाम दिया गया है के फोन ठीक है तो यह योजना स्टार्ट कहां पर हुई है केरल में हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यू एन का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है तो इसका आंसर होगा प्रीति सिन्हा और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आजकल अखबारों में है तो यह परियोजना जो है ये भारत और म्यांमार के बीच की, की परियोजना है 2014 में ही इसे पूरा होना था लेकिन अब यह परियोजना नियर अबाउट पूरी होने के कगार पर है हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है सही आंसर है इसका यस थियोडोर बास्करन ने और कौन सा खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच हाल ही में किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है आंसर होगा इसका महाराष्ट्र और अब बारी है आज के प्रश्नों की लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप जनवरी दिसंबर मतलब दिसंबर 2020 जनवरी और फरवरी के अब तक के संपूर्ण करंट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वहां पर आपको दिसंबर और जनवरी की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ क्विक रिविजन के लिए आपको फरवरी का पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह का वीडियो मिल जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसका रिविज़न आप लोग ज़रूर करिएगा भारतीय मूल की वह महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति परिषद की में श्रम एवं कामगारों के लिए विशेष सहायक नामित किया गया है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है प्रणीता गुप्ता ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारतीय मूल की, भारती की प्रणीता गुप्ता को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए बाइडन का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है प्रणिता सेंटर फॉर लॉ एंड स्पेशल पॉलिसी में जाप क्वालिटी टीम की निदेशक थी उन्होंने कामगारों के लिए रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लिया है इतना ही नहीं, उन्होंने कम आय वाले मजदूर परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है तो एक रीज़न करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और वो ये है कि यू की कार्यकारी सचिव बन गई हैं प्रीति सिन्हा ये आपको याद रखना है को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव बनाया गया है और का गठन हुआ था में मुख्यालय मिलेगा न्यूयॉर्क में और यह कम विकसित देशों को छोटे कर्ज उपलब्ध कराता है तो वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस देश ने मंगल, मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए परसी रोवर को भेजा है परसी रोवर तो ये रोवर भेजा गया है अमेरिका के द्वारा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है नासा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में उन्नीस में ये आपको याद रखना है और फाउंडर हैं इसके कौन थे डी डी आइजन हावर ये इसके फाउंडर थे स्थापना इसकी हुई थी 1958 में और वर्तमान में जो इसके प्रशासक हैं उनका नाम है स्टीव जुर्जाइक क्या नाम है स्टीव जुर्कजाइक ठीक है ये नाम है आगे बढ़ते हैं टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट से कितने फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रहा है सही जवाब होगा इसका 68 परसेंट कितना 68 परसेंट टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रासरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट में 68 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा और ये जो सौदा है ये करीब 9,500 करोड़ रुपए में तय हुआ है हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं तो इनका नाम क्या है तो फ्रेंड्स इनका नाम है अजय मल्होत्रा तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अजय मल्होत्रा रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं 1977 में भारतीय विदेश सेवा में भी ये शामिल हुए थे तो आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नजहत समीन याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन ए कोचीन पोर्ट ठीक है तो भारत का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरकिया का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है कोच्ची में ये आपको याद रखना है और कोच्ची में टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं सागरिका टर्मिनल को लगभग एक लाख पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पटिटिवनेस इंडेक्स में यानी कि 2019 में छह पायदान छलांग के साथ चौतीसवें स्थान पर आ गया है तो टूरिस्ट का जो इंडेक्स होता है भारत ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स उसमें भारत की रैंक कितना है थर्टी फोर ठीक है इसके पहले साल 2017 में भारत का जो स्थान था वो चालीसवाँ था 2015 में बावनवा था 2013 में भारत इस मामले में पैंसठवें स्थान पर था तो याद रखना कि यह एक बहुत ही बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी छलांग है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया सुधार है कि भारत जो है वो ट्रेवल और टूरिज्म काम पंटीन्यूस इंडेक्स 2019 में हो गया है चौंतीसवें स्थान पर तो 2020 में तो ये इंडेक्स जारी नहीं हुआ अब देखते हैं 2021 में इंडेक्स जारी होता है या फिर नहीं होता है व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है सही जवाब है इसका ऑप्शन ऑप्शन ए संदेश ठीक है तो जो ये संदेश नामक ऐप है ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है और इसको जो है विकसित किया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा हालांकि वर्तमान में यानी कि आज की डेट में इसका जो आ, ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर नहीं है अगर किसी के पास एप्पल का फोन है तो वो इसे एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर एंड्रॉड ऐप आपको आप चाहिए तो इसका ए के फाइल आपको मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और टेलीग्राम की तरह इसे आप अपने पीसी पर भी चला सकते हैं यानी कि पीसी इसका जो वेब वर्जन है ये भी अवेलेबल है ठीक है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसमें बिल्कुल वही सारे फीचर्स हैं जो आपको व्हाट्सएप में मिलते हैं इसरो व मैप माई इंडिया ने गूगल मैप को प्रतिस्पर्धा में किस ऐप को लॉन्च किया है सही जवाब इसका ऑप्शन सी है भुवन नामक ऐप हालांकि ये जो ऐप है बहुत पहले लॉन्च हुआ था लेकिन अब जाकर इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे हम लोग ज़्यादातर जो गूगल मैप है उसका यूज़ करते हैं तो अब हम लोग भुवन नामक ऐप का यूज करें फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका जो रिलीज हुआ था वो 12 अगस्त 2009 को ही कर दिया गया था ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है ऐप है फिलहाल देखते हैं कि ये कब तक आम लोगों के द्वारा प्रचलन में आ जाता है रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे कौन करेंगे एन एस सुब्रमण्यम तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को लेकर सोमवार 15 फरवरी को एक समिति का गठन किया है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति शहरी सहकारी बैंकों के मसले के समाधान के लिए उपाय सुझाएगी साथ ही क्षेत्र में उनकी मजबूत स्थिति के लिए उनकी संभावनाओं का भी आकलन करेगी समिति को सौंपे गए नियम और शर्तों के अनुसार उसे एक गतिशील और मजबूत शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण पत्र को तैयार करना है यह सब कुछ सहयोग के साथ साथ जमाकर्ताओं के हितों और प्रणाली से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा समिति को अपनी रिपोर्ट आर को तीन महीने में देनी है आठ सदस्यीय समिति में नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला भी शामिल हैं आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड एक्सरे सम्मान से सम्मानित किया गया है ये क्वेश्चन 2020 का है फिलहाल इसका रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सही जवाब इसका है ऑप्शन ऑप्शन ए था जाम धवाली सिंह ठीक है तो मणिपुर के डॉक्टर को जब भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है निम्नलिखित में से किसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को शुरू करने का निर्णय लिया है यानी कि निर्माण किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का और ये निर्णय लिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं अमेजॉन के द्वारा ठीक है तो अमेजॉन का जो आप देख रहे होंगे कुछ पर्सनल ऐसे उसके प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं लाइक एज फाइव टी बी स्टिक तो अब ये जो स्टिक होगी ये बनेगी भारत में भी ठीक है इसके अलावा अमेजन का लक्ष्य भारत में दस मिलियन छोटे और मध्यम उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए ग्यारह बिलियन के निवेश के साथ दो तक एक मिलियन नौकरियों का निर्माण भी करना है तो फ्रेंड्स अब हम लोग आंसर करेंगे क्विज नंबर 18 को मैंने कल आप लोगों से सवाल ये पूछा था कि एडिबल सॉल्ट किससे बनता है और इसका सही जवाब है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर अच्छा किया है तो किसी एक का नाम यहाँ पर मैंसन कर पाना मुश्किल है फिलहाल मैंने कुछ नाम यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से एस और एन जो होता है जब आ, आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और पानी निकलता है तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी व्याख्या आप लोग दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं और अब बारी रही है क्वेश्चन नंबर एटीन की कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है डिवाइन कॉमेडी दाते द वर्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसपिया डाल्टन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो तो इसमें से एक जो विकल्प है वो गलत है और उसको आपको पहचानना है और उसका आपको आंसर करना है तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आगे दीजिए नमस्कार जय हिंद